Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Sufyan Ikram. So, today we are ICS Computer Science Part 1, yani first year, ke chapter number 3, which is called Data Communication. Uska ek topic hai ji, types of data transmissions. Uska basically part 2 hai. Part 1 ke andar humne transmission ki definition dekhi thi, ke transmission is the process of transferring data from one computer to another computer. तो दो कंप्यूटर के दरमियान यानी डाटा के ट्रांसफरिंग के प्रोसेस को डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं. अब उसके अंदर हमने देखा था कि दो टाइप्स थी डाटा ट्रांसमिशन की, पैरेलल और सीरियल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. अब इस लेक्चर में हमने सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस डाटा ट्रांसमिशन टाइप्स के बारे में डिस्कशन करनी है. तो सबसे पहले एसिंक्रोनियस को देख लेते हैं. जैसे कि ट्रांसमिशन में होता है, यूं ही एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसको हम मीडियम कह सकते हैं, मीडिया कह सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया कह सकते हैं, कोई वायर हो सकती है, कोई वायरलेस मीडियम हो सकता है. खैर, अब लेट्स से दैट कि हमारे पास सेंडर के पास एक लेटर ए है जो कि उसने सेंड करना है और इस रिसीवर ने उसको रिसीव करना है. अब नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर जो है वो ए को रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि हमारे सारे के सारे कंप्यूटर्स आज के दौर में डिजिटल कंप्यूटर्स हैं और सारा का सारा डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो बेसिकली ए को रिप्रेजेंट किया जाता है इस बाइनरी डिजिट से, यानी बिट्स से. अब ये बेसिकली हमने ये भी पढ़ा था कि वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, यानी एक बाइट के अंदर टोटल 8 बिट्स होती हैं, और वन बाइट जो है वो एक करेक्टर को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रही होती है. बहरहाल अब ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वन बाइट मौजूद होती है. ठीक है जी. अब जनाब, इस वक्त हमारा ये जो रिसीवर है ये आइडल पोजीशन में मौजूद है. इवन हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों ही आइडल पोजीशन में मौजूद है. आइडल पोजीशन वो पोजीशन होती है जब कोई ट्रांसमिशन टेक प्लेस ना हो रही हो, यानी कंप्यूटर ना कुछ सेंड कर रहा हो ना कुछ रिसीव कर रहा हो, तो हमारा कंप्यूटर आइडल स्टेट में मौजूद होता है. अब यहाँ पे देखें तो हमने इसी ए को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ये वही दरमियान में वही 8 बिट्स हैं जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन इसके स्टार्ट पे एक अलग 0 और इसके मतलब लास्ट पे एक अलग 1 को हमने ऐड कर दिया. अब ये 1 और 0 क्या इनका काम है? बेसिकली ये 0 रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट बिट को, जबकि हमारा जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है स्टॉप बिट को. हमारी ये एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन जो है इसको हम स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है. अब स्टार्ट बिट का काम, स्टार्ट बिट हमेशा 0 से रिप्रेजेंट होती है और स्टॉप बिट को हमेशा 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे ही हमारा कंप्यूटर पहले आइडल पोजीशन में मौजूद था, जैसे ही हमारी स्टार्ट बिट इस आइडल कंप्यूटर के पास आई, तो कंप्यूटर ने जैसे ही उसको रिसीव किया तो ये रेडी स्टेट में आया. जैसे ही कंप्यूटर रेडी स्टेट में आता है, हमारे तमाम के तमाम डाटा, यानी इनफैक्ट अभी तो हम ए को सेंड कर रहे थे और ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट जो हमने बनाई थी वो ट्रांसफ़र हो जाती है. और जैसे ही तमाम के तमाम बाइट ट्रांसफ़र होती है, हमारा ए जो है वो सेंडर कंप्यूटर से जाता है और रिसीवर कंप्यूटर के पास रिसीव हो जाता है. अब जैसे ही हमारी स्टॉप बिट आती है, तो हमारा ये जो रिसीवर कंप्यूटर है वो वापस आइडल पोजीशन में चला जाता है. ठीक है, ये हमारा जो है वो एसिंक्रोनस का मैकेनिज्म है. इसमें हमारा जो डाटा है वो सारा बाइट बाय बाइट मूव करता है, यानी पहले एक बाइट मूव कर जाती है, फिर दूसरी बाइट आती है मूव कर जाती है, फिर तीसरी बाइट, इस तरीके से. तो देखें, कहता है सेंड डाटा यूजिंग फ्लो कंट्रोल. डाटा जो है वो फ्लो कंट्रोल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ऑल्सो कॉल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ट्रांसमिशन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए हम इसको स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं. आइडल स्टेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्क स्टेट, यानी ये जो आइडल स्टेट थी जिससे हमने कहा था कि व्हेन नो ट्रांसमिशन इज टेकिंग प्लेस, इसको हम मार्क स्टेट भी कह सकते हैं. It sends 1 byte at a time. That is why it is used by only slow characterized computers. अब normally हमारे asynchronous data transmission जो है वो
एक वक्त में एक बाइट जैसे मैं बता रहा था कि ट्रांसमिट करती है, इस वजह से हमारी जो एसिंक्रोनस है इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ स्लोअर, ठीक है, कि ये वही कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं जो स्लोअर होते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में भी हमारे पास एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, दरमियान में कम्युनिकेशन चैनल होगा। अब इसमें क्या प्रोसीजर चलता है, हमारा जो सारा का सारा डाटा है, डाटा इज फ्लोइंग एज स्ट्रीम ऑफ ब्लॉक्स और बिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं नदी को, यानी ए नदी में नॉर्मली क्या होता है कि पानी मुसलसल चल रहा होता है, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि हमारे जो डाटा के ब्लॉक्स हैं वो मुसलसल मूव कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी दो ब्लॉक्स, यानी एक ब्लॉक ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा आ जाता है, तीसरा ख़त्म हो जाता है चौथा आ जाता है, और ये एक स्ट्रीम की तरह हमारा डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव कर रहा है। तो अब इसमें देखो होता यूँ है कि हमारा जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एक एक करके हमारी तमाम के तमाम बाइट्स जो है वो एक जगह से दूसरे का मूव कर जाती हैं। तो कहता है सेंड डाटा यूजिंग क्लॉक कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक नॉर्मली यहाँ पे मैंने एक बाइट का एक ब्लॉक रिप्रेजेंट किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा ब्लॉक वन बाइट का ही हो, वो टू बाइट्स का यानी 16 बिट्स, ये इसी तरह फोर बाइट्स का यानी 32 बिट्स का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे डाटा के ऊपर कि हमारा डाटा का ब्लॉक कितना बनता है, ठीक है। तो हमारा जो ये ब्लॉक है वो इन द हमारा डाटा जो है वो ब्लॉक्स की सूरत में सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव करता है जब हम सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटिंग एट अ सिंगल टाइम। अब लास्ट में हमने क्या देखा था कि हमारी सिर्फ वन बाइट जो है वो मूव करती थी, ठीक है, जैसे हमारी ये सिर्फ वन बाइट है वो मूव करती थी, जबकि यहाँ पर हमने सिंक्रोनस के अंदर क्या देखा कि हमारी मल्टीपल बाइट जो है वो इस वक्त लाइन पर मौजूद है और सारी की सारी जो है वो वन बाय वन मूव करती चली जाती हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिट एट द सिंगल टाइम, यानी ज़्यादा डाटा एक वक्त में सेंड किया जा सकता है। साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ सेवरल बाइट्स ऑफ डाटा, साइमल्टेनियस फ्लो यानी मतलब हम ऐसा नहीं है कि भाई एक बाइट जो कि ट्रांसमिशन मीडिया पे आई है वो जब रिसीवर तक पहुंच जाएगी तो यहाँ से दूसरी बाइट निकलेगी, नहीं, हमारी मुसलसल बाइट जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया पे लोड होती जाती हैं और रिसीवर एंड पे उसको रिसीव कर लिया जाता है। असिंक्रोनाइज्ड क्लॉक इज नेसेसरी टू केयरफुली शेड्यूल। अब हमने ये पढ़ा है कि डाटा सेंड होता है क्लॉक कंट्रोल के थ्रू, अब उस के लिए हमें एक सिंक्रोनाइज क्लॉक की जरूरत होती है जो क्या करता है हमारे डाटा की या इंफॉर्मेशन को जो कि ट्रांसमिट होनी होती है उसको स्केड्यूल करता है कि भी कि कब कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। तो अब चूंकि ये एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि फंक्शनैलिटी ऐड की जा रही है सिंक्रोनाइज क्लॉक वाली, तो जारी बात है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के दरमियान डिफरेंस को देखा जाए तो डाटा सेंड एट वन टाइम, तो एक वक्त में कितना डाटा सेंड किया जाता है, तो अगर एसिंक्रोनस की बात करें तो ये यूजुअली एक बाइट ट्रांसफ़र कर रहा था, जबकि सिंक्रोनस की बात करें तो ये मल्टीपल बाइट्स को ट्रांसफ़र कर रहा था। इसी तरह हमारी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट की बात करें तो हमारी स्टार्ट एसिंक्रोनस के अंदर स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इस्तेमाल होती है, जबकि सिंक्रोनस के अंदर हमने देखा था कि हमारी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट का इस्तेमाल नहीं होता। गैप बिटवीन डाटा यूनिट्स, डाटा यूनिट्स के दरमियान गैप से क्या मुराद है कि जैसे देखें लास्ट में हमें क्या था कि एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन के अंदर हमारी एक बाइट इस सेंडर से निकलती थी और जब तक ये यहाँ पे मूव नहीं कर जाती थी, रिसीवर उसको रिसीव नहीं करता था, सेंडर से नेक्स्ट बाइट जो है वो नहीं आती थी। इट मीन्स दैट के दोनों बाइट्स या दोनों डाटा ब्लॉक्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता था, जबकि हमारी सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में क्या है कि देखें पहली बाइट आई है उसके फ़ौरन बाद दूसरी बाइट आ गई है, उसके फ़ौरन बाद तीसरी बाइट आ गई है, यानी हमारे डाटा के ब्लॉक्स के दरमियान एसिंक्रोनस के अंदर तो गैप
मौजूद होता है जबकि सिंक्रोनियस के अंदर कोई गैप मौजूद नहीं होता। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड के हवाले से अगर बात की जाए तो एसिंक्रोनियस जैसे पहले बताया कि वो स्लोअर है क्योंकि एक वक्त में एक बाइट को ट्रैवल करवाता है और ज़ाहिर बात उस वजह से उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है और वही कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उस एसिंक्रोनियस को जो खुद स्लो बनाए गए हैं। इसी तरह सिंक्रोनियस डाटा ट्रांसमिशन में हमारे पास जो है वो डाटा जो कि डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो फास्टर होती है क्योंकि मैंने अभी बताया कि साइमल्टेनियसली बहुत सारी बाइट्स जो हैं वो एक वक्त में ही ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो सिंक्रोनियस डाटा ट्रांसमिशन जो है वो फास्टर है। और कॉस्ट के हवाले से बात कीजिए तो एसिंक्रोनियस बड़ी सिंपल सी है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं। इनफैक्ट अगर सिंक्रोनियस की बात करें तो वहाँ पर क्लॉक ये लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, असिंक्रोनाइज क्लॉक इज नेसेसरी लिखे शेड्यूल द ट्रांसमिशन ऑफ, यानी एक नया फीचर इसमें ऐड होता तो जारी बात है कॉस्ट भी हमारी हाई हो जाती है सिंक्रोनियस के अंदर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये तमाम के तमाम डिफरेंस समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अपना और अपने दोनों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम बजाएगा। अल्लाह हाफिज़।